प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन, कौन इसे पहचाने हो। बेगाने अपने लगते हैं और अपने बेगाने हो। प्यार मोहब्बत गुस्सा नफरत दिल में कई खजाने, दिल दरिया समुंदरों टूंगे, कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी जाने। यारी पुल के बन जाते हैं दुश्मन यार पुराने, हंसते हंसते चढ़ जाते हैं सूली पर दीवाने। दिल दरिया समुंदरों टूंगे, दिल दरिया समुंदरों टूंगे, कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी जाने।
कांता बेटा कांता का उसकी तबीयत ठीक नहीं है कोई तो नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है तुम हाथ धो लो मैं खाना लगाती हूँ कांता वो मेरे थैले में मेरे कपड़े बांध देना बाबू आज रात की बस में पानीपत जा रहा हूँ पानीपत क्यों मुझे वो केदारनाथ से वसूली करनी है नंदू तू पैसे के चक्कर में इतना मार मार क्यों फिरता है पैसे की क्या कमी है हमारे पास अगर किसके लिए इतना पैसा कमा रहा है तू क्या करेगा इतने पैसे के किसके लिए कमा रहा है तू इतना पैसा ताऊ जी जो कुछ भी है बहुत कम है बीते दिन भूल गए आप बहुत गुर्बत देखे बाबू जी बहुत मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद को भी वो दिन देखने पड़े औलाद कहां है तेरी औलाद पैसे के चक्कर में सब कुछ भूल गया है तू इतना भी नहीं है तू कभी दो मिनट आराम से बैठकर कांता से बात कर ले कभी पूछता है अपनी माँ से कुछ कभी बहन से पूछता है कि वो दुखी है या सुखी है नहीं आएगा खाना खाएगा और चला जाएगा या फिर सो जाएगा बेटा दो मिनट तो कभी कांता के पास बैठा कर कभी तो दो मिनट उससे मुंह साझा किया कर करता तो है करता क्यों नहीं कांता ये पैसे बैंक में जमा करा दे कांता ये पैसे बैंक से निकाल ले ये काफी नहीं है क्या पैसे का चक्कर में सब कुछ भूल गया तू बेटा ऐसे पैसे का क्या फायदा जिससे कि हमारे घर का सुख और चैन नहीं चला जाए लानो पैसे पैसे पर पानीपत नहीं जाना है नहीं क्यों तो सुबह जाऊंगा समझ नहीं आते कि दुकान का नाम मोहन सिंह ओम प्रकाश एंड सन्स किसने रख दिया भाई जो आदमी जिंदा ही नहीं है उसका दुकान से क्या मतलब मरे हुए आदमी को अलग सस रखने क्या जरूरत है जी आज तो आपने ये बात कह दी है पर आगे से मत कहना कहीं ऐसा ना हो कि आपको बीड़ी सिगरेट के लिए भी मोहताज होना पड़े ठीक है पर जाइए मैं सब कुछ समझ गया ताजे फलो ताजे फलो ताजे फलो एक पापड़ का पैकेट और एक अचार की बोतल निकलवा दीजिए ताजे फलो कैसे दिए भैया सेब ये सेब कैसे दिए हैं भाई भाव बताओ और ये मुसम्बी बीबी जी आप ले लीजिए पैसे फिर आते रहेंगे मुझे उधार नहीं चाहिए भाई दाम बताओ आप लीजिए तो सही अजीब आदमी है आप डॉक्टर उर्मिला है ना हाँ पिंडी पिंडी में हाँ आपने मुझे पहचाना नहीं मैं और मेरी पत्नी आपके पास पिंडी में कुलवंत सत श्री अकाल डॉक्टर जी सत श्री अकाल कुलवंत माँ बनी या नहीं या अभी उसने ऑपरेशन ही नहीं कराया मुझे मालूम है उसने अभी तक ऑपरेशन कराया ही नहीं होगा आप ठीक कहती हैं डॉक्टर जी आप यहीं पे आए हैं डॉक्टर जी मैं यहाँ अपने पिताजी के पास आई हूँ वैसे मेरी प्रैक्टिस दिल्ली में है मेरे लायक कोई सेवा आप जरूर बताइएगा डॉक्टर जी बोलिए कितने सेब दूं सेब तोल दो
दो सिर। भाभी कुलवंत सब ठीक तो है ना महेंद्र? चल महेंद्र घर चल, महेंद्र घर चल मेरे साथ, बंद कर अपनी दुकान। भाई साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। महेंद्र जानता है जब से तू गया है माँ का तो रो रो के बुरा हाल है, और भाजी भाजी तो रोज दिन रात कुतवारे जाकर मन्नतें मांगते हैं तुम्हारी सलामती की। रानी तो यानी तो ताया जी कर करके सूख कर कांटा हुए जा रही है महेंद्र। चल मेरे साथ मेरे घर चल महेंद्र। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? तू मेरा बड़ा भाई महेंद्र नहीं है? नहीं बाबूजी। सरदार सरदार मोहन सिंह का लड़का महेंद्र नहीं है तू? नहीं बाबूजी। महेंद्र उम्मीदों से आया हूं मैं यहाँ, एक बार और तूने अगर कहा कि तू मेरा भाई नहीं है तो मेरा हाथ उठ जाए। हम तो गरीब आदमी है ना, लेकिन मैं वो कैसे बन जाऊं जो आप चाहते हैं? तू कहता है तू मेरा भाई नहीं है, खा मेरे ताया जी की सौगंध कि तू मेरा भाई नहीं है, खा सरदार मोहन सिंह की कसम कि तू मेरा भाई नहीं है, खाता क्यों नहीं तू कसम? मैं कसम खाता हूं, मैं सरदार मोहन सिंह का बेटा महेंद्र सिंह नहीं हूं। तेरी शर्म, शर्म नहीं आई मेरे ताया जी की झूठे कसम खाते हुए? देवता समान बाप की झूठे कसम खाई है तूने? तो डूब मरना चाहिए कि कसम झूठे खाते हुए? कुछ नहीं है तो फिर क्या है? छोड़ दो मुझे, भाई है मेरा, झूठ बोलता है मुझे, छोड़ दो मुझे, भाई है मेरा, आपका भाई नहीं है, झूठ बोलता है वो, मेरे ताया जी की झूठी कसम खाई है तूने? मेरे सामने कैसे इनकार करता कि मोमेन नहीं है? मगर बाबूजी मैं खाली हाथ कैसे आ गया तू? तुझे उन सब का पता लगाना चाहिए था, महेंद्र से मिलने के बाद भी तू उन सब का पता नहीं लगा पाया? बाबूजी मैं करता भी तो क्या करता? करता क्या? हाँ मेरी बात तो सुनिए ना, वहां पे तो पहले से भीड़ लग चुकी थी, लोग समझ रहे थे कि हम लड़ रहे हैं, उसके उसके वो पड़ोसी दुकानदार तो मुझे मारने पर उतारू थे जी, मैं जबरदस्ती करता तो तमाशा बनता जी, मैंने उसे बहुत समझाया जी, बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन वो तो मानता ही नहीं था, वो तो इस बात से भी इनकार कर रहा था कि वो महेंद्र है, और तो और जी उसने तो ताया जी की भी झूठी कसम खाई। क्या नंदू बेटा, तू मुझे एक बार वहां ले चल, जब मैं उसे कलेजे से लगाऊंगी ना तू अपनी जिद भूल कर अपने आप कहेगा चाची मैं ही महेंद्र हूं। ये बाबूजी यहीं पे था वो, तो कहाँ गया वो? यहीं मिला था मुझे, यहीं रेडी पे फल बेच रहा था, लेकिन अब तो इधर पूछते हैं जरा। आइए मन लाला जी, यहाँ पे एक सदा लड़का जो फल लगा के खड़ा था, कुछ पता है कहाँ गया वो? आज सुबह से आया नहीं है, मिला नहीं है वो, तो आपको मालूम है कहाँ है? वो करबड़ा करबड़ा में मार्केट में जाके पूछेगा तो। कहाँ पे जी? करबड़ा बी ब्लॉक में, ले लो
ताया जी, मोहन सिंह, ताया जी, महेंद्र, अगर यही काम तूने उस दिन कर दिया होता जिस दिन तुझे महेंद्र मिला था तो आज इस वक्त हम उन सबसे मिल गए होते। ठीक है चलो घर चलो। नहीं नहीं पड़ोस वाले घर से पूछ लेते हैं ना। नमस्ते जी। आपके पड़ोस में जो सरदार मोहन सिंह रहते थे। रहते थे? नहीं जी वो तो रहते हैं पर उनके यहाँ तो कोई भी नहीं है जी, मकान खाली है। खाली पड़ा है? नहीं बहन जी, कल तो उनके यहाँ से बड़ी रात को आवाजें आ रही थी, सरदार जी की थी। आपको पता है जी वो कहाँ गए हैं? नहीं जी हमें कैसे मालूम होगा, इतने बरस रहते हुए तो हो गए पर कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई जी। मतलब आपने उन्हें कभी देखा नहीं? उनको तो नहीं देखा। हाँ वो उनका बड़ा लड़का है ना, उनकी बहू भी है, उनको एक दो बार आते जाते जरूर देखा। वो छोटा एक पोता है उनका। पोता मोहन? हाँ मोहन, इंद्र मोहन जी। बड़ा शरारती लड़का है वो ऐसे ही रात को कभी भाग जाता है तो सरदार जी को उसके पीछे जाते हुए जरूर देखा होगा। आपने उनके पोते को देखा है कभी? नहीं जी ऐसे कैसे, बिल्कुल नहीं देखा जी। तस्वीर इधर दीवार पर लगा दे, यहां तो पुत्र पीठ हो जाएगी। आराम कर लीजिए।
खेलने गए? खेलने गए हैं तो मोहन जी। तभी तो जवाब नहीं दे रहा था, कुलवंत जी। दादाजी तर काका खेलने गया है, बहुत थक के आएगा, दूध गर्म कर पीते है जी। अच्छा है, उसको गरम गरम दूध देना। बोलने से उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो क्या करती पुत्र, है कोई ऐसा जो उन्हें बता सके कि मोनी को कोई घर सामने चुका। मुझे एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। ना पुत्र, ना ना, मैं वो दिन नहीं देख पाऊंगी। ना ना पुत्र, ना। बड़ी देर हो गई, अभी तक महेंद्र नहीं लौटा। पीजी, काम ढूंढने निकले, वक्त तो लग ही जाता है। सुबह का निकला है बेचारा, पता नहीं कहाँ भटकता फिरता होगा। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, नया काम ढूंढना है, नए सिरे से सब कुछ शुरू करना है, वक्त तो लग ही जाएगा। आप फिक्र मत करिए पीजी, वाहेगुरु जी की मेहर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुत्र, आप घर पे कोई काम तो करती नहीं, क्यों ना ऐसे करें आस पड़ोस में जाके कोई काम ढूंढ ले। क्यों नहीं, कल सवेरे ही जाकर आस पड़ोस में पूछते हैं। ठीक है। अच्छा दादी, मैं काम पे चलता हूँ। सच्चे का लेके दूंगा बहुत सारी चीजें। हाँ चंदन, कितने गए राजी? कितने लाए बच्चों ने? पाजी हैं? पाजी ये मेरा, हाँ पाजी, कितने लाए पाजी? मेरा मोनी, पाजी मेरा मोनी है। सरदारजी, ये आपको क्या हो जाता है, बिना बताए घर से कहाँ चले जाते हैं?
सबको बहुत परेशानी होती है सरदार जी। बेचारा महेंद्र तो अपना काम काज छोड़कर कहां कहां ही भटका आपको ढूंढने के लिए। और वो जो बच्चा आपने पकड़ लिया था वो मोनी नहीं था। मोनी तो आप मोनी मर चुका है दादी। चुप रहो बीजी, आपकी बात सुन लीजिए। आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, मोनी मर चुका है। मोनी हमारे साथ कभी भी नहीं था। बंटवारे के बाद से मोनी हमारे साथ नहीं है। झोपड़ी में क्यों छोड़ा मेरे बेटा, क्यों छोड़ा? क्या जवाब मम्मी को, क्या मुंह दिखाऊंगा कांता को, क्या कहूंगा मोनिका है, और क्या कहूंगा मम्मी को, और मैं क्या कहूंगा? लो जी प्रसाद। आज सवेरे सवेरे किस चीज का प्रसाद लिया? मंदिर गई थी। क्यों? संक्रांत है ना आज। ले बेटा नंदू, तू भी प्रसाद ले। सुन, आज संक्रांत है? हाँ संक्रांत है। कल हमारे हिंदू महान का जन्मदिन है। हाँ। मुझे उसी वक्त दिल्ली जाना पड़ेगा। मगर क्यों बाबूजी? चरण लो की मोहन सिंह मिल गया। वो कैसे? समझ लो कि कल सारे के सारे लोग हमें मिल जाएंगे। पर बताओ तो सही कैसे, इतनी तो तलाश कर ली, कोई कभी तक मिला नहीं। तुझे याद है रामपरी, मोहन सिंह हर साल हमारे इंद्र मोहन के जन्मदिन पर दिल्ली जाया करता था। हाँ। कल इंद्र मोहन का जन्मदिन। हाँ। अगर मोहन सिंह कहीं भी जिंदा है तो वो हर सूरत में दिल्ली गुरुद्वारे जाएगा। मैं उसे वहीं ढूंढ लूंगा। दिल दरिया समुंदरों डोंगे कौन दिला दी जाने।